नमाज कोर्स में आज हम जो है वो तहारत के बारे में सीखेंगे। तहारत जो है वो नमाज की शराइत में से पहली शर्त है। और तहारत में हमारे पास जो है वो दो चीज़ें आती हैं। एक तो होती है तहारत, छोटी तहारत यानी कि वजू करना, और दूसरी होती है बड़ी तहारत यानी कि गुसल करना। तो आज हम जो है वो वजू के बारे में सीखेंगे कि वजू के कितने फ़र्ज़ हैं, और इसके मुताबिक हम जो है वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, वुजू के जो है वो हमारे पास चार फ़र्ज़ हैं। एक तो है कि चेहरा धोना। तो चेहरा कहाँ से धोना, यानी कि जहाँ से जो है वो हमारे जो बाल हैं, बाल जहाँ से उगते हैं आमतौर पर शुरू में, तो वहाँ से लेकर टोरी के नीचे तक, यहाँ तक धोना। और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये पूरा जो है चेहरा चेहरा ही कहलाता है, ठीक है। तो इसको धोना। अब इसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पर बवे भी आ जाती हैं, मूछें भी आ जाती हैं, तो यहाँ के नीचे और बाल भी आ जाते हैं, तो नीचे के बाल भी आ जाते हैं, तो ये सबको धोना जो है वो लाजमी है। हाँ, इस पे ये है कि अगर दाढ़ी जो है वो घनी है, यानी कि अंदर की जो खाल है वो दिख नहीं रही, तो फिर क्या होगा कि दाढ़ी का धोना ज़रूरी होगा। तो अगर अंदर की खाल दिख रही है तो बाल के साथ साथ जो अंदर की जो खाल है उसको भी धोना जो है वो लाजमी होगा। दूसरा है कोहनियों समेत हाथ धोना। अब हाथ कहाँ से शुरू होते हैं? हाथ शुरू होते हैं यहाँ से, जहाँ से आपका नाखून है, तो उंगली जहाँ से शुरू होती है यहाँ से लेकर कोहनियों समेत, कोहनियों तक नहीं, कोहनियों समेत पूरा जो है वो ये पूरा बाजू कहलाएगा, तो फिर पूरा हाथ कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमें पूरा धोना ज़रूरी होगा दोनों दोनों हाथों का। तो तीसरा है चौथाई सर का मसा करना। अब हनफियों के नज़दीक जो है वो चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अलबत्त शाफ़ी लोग हैं, उनके नज़दीक ये कि एक दो बाल अगर आपने गीले कर लिए, मसा कर लिए तो फिर उनका मसा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे नज़दीक है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करने से मुराद क्या होती है कि अब हमारा जो सर है तो उसमें आप जो वो उसके चार हिस्से कर लीजिए, ठीक है। तो आगे का जो है दो हिस्से, पीछे दो हिस्से, तो एक हिस्से का जो है वो मसा करना, ये क्या हो जाएगा, चौथाई सर का मसा हो जाएगा, यानी कि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। सुन्नत क्या है? सुन्नत यही है कि भाई आप जो पूरे सर का मसा करें। और चौथा जो फ़र्ज़ है वो है पाँव धोना, ठीक है। पाँव जो है वो टखनों समेत जो है पाँव धोना, ये जो है वो क्या है, ज़रूरी है। तो ये जो है वो वज़ू के फ़राइज़ से इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो गुस्ल के फ़राइज़ सीखेंगे। जज़ाकअल्लाह।